हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको पानी का वजन या फिर हवा के वजन के बारे में शायद आपको पता होगा, लेकिन अगर मैं आपको यह सवाल पूछूं कि भाई आत्मा का वजन कितना होता है, तो शायद आप मुझ पर नाराज ज़रूर होंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये राज बता दूं कि आत्मा का वजन कितना है, तो ये जानकर आपके पैरों तले से शायद ज़मीन खिसक सकती है और शायद आपकी रूह भी उनके बारे में ये जानकर उनकी रूह भी कांप उठेगी। दोस्तों, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में कौन से अंग में या फिर कौन से पार्ट में हमारी आत्मा होती है। तो हेरोफिलस की माने तो उनके मुताबिक हमारी आत्मा हमारे दिमाग की बिल्कुल अंदर के हिस्सों में होती है। शरीर के अन्य अंगों की तरह आत्मा का भी एक निश्चित वजन होता है। ये वजन यूनिवर्सली आज की तारीख में एक समान होता है, चाहे वो इंसान वजन में मोटा हो या फिर दुबला पतला, उसकी हाइट कम हो या फिर ज़्यादा हाइट वाला हो। इंसानों के अलावा पशु पक्षी दरियाई जीवों में भी रूह यानी कि आत्मा का वास ज़रूर होता है, यानी आत्मा सब में होती है। जो जिंदा जो भी जीव है या फिर इंसान है, उनके शरीर में आत्मा का वास ज़रूर होता है। डॉक्टर डंकन मैकडोगल नामक एक डॉक्टर यानी एक शख्स ने सन 1901 में आत्मा के वजन के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने एक अजीबोगरीब प्रयोग किया। अमेरिका के डॉर्चेस्टर में हुए इस परीक्षण में डॉक्टर डंकन ने अपने साथ इस परीक्षण में अन्य साथी डॉक्टर्स यानी अन्य साथी 3 या 4 डॉक्टर्स को इस मिशन में शामिल किए। सब्जेक्ट के तौर पर ऐसे 4 पुरुष एवं 1 महिला को शामिल किया जो कुछ वक्त में मरने वाले थे। उनको खास तौर पर डिज़ाइन किए गए एयर बैंक्स वेट स्केल पर रखा गया और 5 व्यक्तियों का मरने से पहले बड़ी ही सावधानी से वजन किया गया, बहुत ही चौकसाई से बहुत ही एक्यूरेटली उसका वजन किया गया। इनके बाद कुछ वक्त बाद ये 5 मरीजों की मौत हो गई बारी बारी पर। तो दोबारा उस एयर बैंक्स स्केल पे वजन किया गया उनके उन 5 व्यक्तियों के मरने के बाद। डॉक्टर डंकन की टीम ने यह पाया कि मृत्यु के बाद उन 5 व्यक्ति के शरीर के वजन में जो पहले वो जिंदा थे तब जो वजन था तब के वजन में वजन से कुछ अंतर पाया गया, यानी कुछ डिफरेंस पाया गया। यानी जो 5 मरने वाले व्यक्तियों के वजन में पहले के मुकाबले कुछ कटौती यानी कि पहले के मुकाबले जो वजन था वो कम पाया गया। वो कितना पाया गया उसके बारे में क्या आप उत्सुक हो? तो चलिए अब ये मैं राज खोल देता हूँ। तो 1, 2 और 3। तो डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि आत्मा का वजन 21 ग्राम यानी कि एक्यूरेटली कहे तो 21.3 ग्राम जितना होता है। ये जानकर आप ज़रूर चौंक गए होंगे कि भाई आत्मा का वजन इतना होता है। तो कैसे लगी आज की मेरी वीडियो? वीडियो अच्छी इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी ऐसी आने वाले और कई इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू।